हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं उल्टा सैंडविच चीज़ वाला, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए हमने आलूओं को उबाल लिया है, अब हम छील लेंगे। आलू छील लिए हैं हमने, अब हम इसको मैश करेंगे। अच्छी तरह से मैश करना है। हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे राई। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च कुटी हुई, मिक्स करते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, और नमक, चला लेंगे। थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। सैंडविच का मसाला रेडी हो गया है, अब हम इसके लिए ले लेंगे ब्रेड। अब ब्रेड को एक गिलास से गोल गोल कट कर लेंगे। उसकी जो गोल साइड थी हमने रख ली है, अब हम इसमें लगाएंगे चिल्ली सॉस। इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। और हम दूसरी साइड के गोल को इस पे रख देंगे। उसको हम ब्रेड के ऊपर लगा देंगे, पूरा अच्छे से उसको कवर करना है। रेडी कर लिया है हमने अपना सैंडविच। अब हम इसके लिए बेसन ले लेंगे, अब सोडा डालेंगे, नमक डालना है, को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से फेंट लेंगे। देर तक चलाते रहना है, अच्छे से फेंटना है बेसन को। हमने बेसन अच्छे से फेंट लिया है, अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। जो हमारा सैंडविच है उसको हम बेसन में अच्छे से डिप करके इसको कढ़ाई में डाल देंगे और फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाना है।
हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। बाकी सब भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। उल्टा सैंडविच चीज़ रेडी हो गया है। इसको आप ग्रीन चटनी और सॉस के साथ सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी बना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें।